हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपनी कजिन सिस्टर की शादी में, तो चलो चलते हैं। और मैंने मेहंदी खुद से लगाई थी, तो आप लोग बताना कमेंट में कैसी लगी है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वहाँ जाके बहुत सारी मस्ती भी करनी है हम लोग को, तो चलो चलते हैं। और ऐसे ही फालतू बोरिंग ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं, वहाँ पहुंच के सबसे मिलेंगे। और फिर सबसे पहले प्रोग्राम है हमारा लगुन टीकी का, वो करेंगे अटेंड। उसके बाद रात में शादी, फिर है फेरे, फिर है पिताई। और हम लोग पहुँच गए अपने रेस्टोरेंट में, नहीं सॉरी होटल में। मैं और मेरे पापा साथ में आए थे, मम्मी और सिस्टर पहले चले गए थे। पहुँचे सबसे मिले हैं हम लोग, और फिर जल्दी जल्दी रेडी होंगे क्योंकि लेट हो जाते बहुत ज़्यादा। आइए आप लोग भी सबसे मिल लीजिए। मौसा के मेरे मिले बड़े वाले मौसम मेरी एक छोटे मुझे जी का बेटा। यहाँ नीचे हॉल में ना टीके की तैयारी चल रही थी, हम लोग भी रेडी होके यहाँ आ गए हैं। भूख भी बहुत तेज लगी थी, तो सोचा पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सब लोग ने सारा काम छोड़ के सबसे पहले खाना चालू कर दिया है भूख की वजह से। रसम हो गई स्टार्ट, इसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी वीडियो शूट करने, पर वीडियो शूट करना कैंसिल कर दिया हमने क्योंकि हॉल में हो रही थी साफ़ सफाई, हो रही थी रात की तैयारियाँ। भैया वो देख रहे हो ना कैसे पान चबा रहे हैं, भाई मुँह तो बंद कर लो, रुक जाओ, फोटो में ना सारा ऐसे ही आएगा। हम लोग जा रहे हैं नाइट के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि दूल्हे राजा बस तैयार होके पहुँच ही रहे हैं, दुल्हन हमारी आ गई है रेडी होके। तैयार होके आप लोग से मिलते हैं। दूल्हे राजा गेट पे आके हैं, ये शायद कुछ बाहर रोटी या गेट की रस्म होती है। दुल्हन हमारी आ गई है, गिरने से बची है दुल्हन हमारी। और ये हमारी दुल्हन की हो रही है एंट्री। पहले एंट्री से बाहर लोग साथ में आते हैं, फिर दूल्हे राजा लेने आए थे उनको, और दूल्हे राजा लेने आए थे और तो हाँ, और ड्राई आइस पर भी एंट्री की थी। Thank you.
फोटो वोटो क्लिक कराएंगे फिर से फोटोग्राफर तो जान ही ले लेते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे बाप रे बाप, हम अपने स्टेज पे आगे खड़े हो गए थे, वोटिंग भी तो करनी थी, बहुत सारी वोटिंग की और थोड़ा सा डांस भी किया। दूल्हा दुल्हन ने भी डांस किया और हमने भी थोड़ा सा डांस किया और दूल्हे राजा दुल्हन की नज़र उतारते हुए और हमारे दुल्हने भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने भी उतारी। तो ये क्या, लोग पैसे बटोरने लग गए? अरे बस करो बस करो, दुल्हनिया कितनी नज़र उतारोगी। छोटे छोटे बच्चों का तो अलग ही मजा होता है, कितना एंजॉय करते हैं। हम भी छोटे से पहले से ऐसे करते थे, जिसमें वो शादी हो जाते हैं तो थोड़े बड़े हो गए हैं तो अकल आ गई है। थोड़ा सा डांस किया और दुल्हन दुल्हन का डांस सीखना तो नेक्स्ट पार्ट से भी सीखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी तो खत्म कर दिया। सिर्फ आप मेरा डांस देख सकते हैं और दुल्हन दुल्हन का डांस सीखने पर आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें वीडियो का। यहाँ सब लोग फोटो शूट करा रहे हैं और हम कर रहे हैं डांस, हम लोग अपने डांस में मगन हैं, फोटो शूट होता ही रहता है, फोटो क्लिक करा के चलते हैं डांस करने। डांस करने के बाद हम लोग ने सोचा कुछ खा पी लेते हैं और हाँ, एक हम लोग ने वीडियो बनाने के लिए छोटी सी रस्म करी थी, वैसे ये हमारे यहाँ नहीं होती है पर ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए की है हम लोग ने। और अब भूख लगी है, इस रस्म में आ जाते हैं खाना खाना और आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ऐसे ही फालतू बोरिंग ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, और चलो चलो खाना खाते हैं, फिर दूल्हा दुल्हन भी खाना खाएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।